हुए जो अगली बड़ी खबर है वो वाराणसी से है, जहां पर नीट सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। मामले में आरोपी मां बेटी पुलिस के हत्थे चढ़ गई हैं। बीएचयू में सेकंड ईयर की छात्रा है ये आरोपी बेटी, पटना का रहने वाला, गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इस गैंग में केजीएमयू का एक डॉक्टर भी शामिल है। आप समझिए, हैरानी वाली खबर है। पूर्वोत्तर राज्यों में इनका नेटवर्क पूरी तरीके से फैला हुआ है। वाराणसी में नीट प्रवेश परीक्षा में इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। ऐसे में अब केंद्र पर परीक्षा देते हुए बीएचयू की बीडीएस छात्रा को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग में शामिल अब छात्रा की मां समेत दो दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। सॉल्वर गैंग के सरगना पटना निवासी और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जुट गई है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। परीक्षा में फर्जीवाड़ी की सूचना मिली। फर्जीवाड़े की सूचना के बाद नीट अधिकारियों को कमिश्नरेट पुलिस ने इसकी बारे में जानकारी दी। इस मामले में तार लखनऊ स्थित केजीएमयू के एक डॉक्टर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दें कि पकड़ी गई लड़की जो कि पटना के वैष्णवी नगर की रहने वाली है, जूली बीएचयू में बैचलर इन डेंटल सर्जरी की सेकेंड ईयर की छात्रा है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते एक कदम उठाया। जूली 5 लाख रुपए में बतौर अभ्यर्थी नीट परीक्षा के लिए बैठी थी, समझते हैं, और इसी का फायदा सॉल्वर गैंग ने उठाया। माता बबीता के जरिए जूली तक पहुंचे। परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकलते ही 5 लाख रुपए देने की सॉल्वर गैंग ने डील की थी, और इसीलिए पैसों के लालच में ये लड़की परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर पुलिस को जानकारी मिली तो सॉल्वर गैंग का ये खुलासा हुआ है। फिलहाल माँ और बेटी दोनों को ही गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। साथ ही साथ इस पूरे गैंग के सभी बाकी लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस की है। गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो पटना का रहने वाला है, और जो बच्ची है, जो लड़की है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति जानता था, इसी का फायदा उठाते हुए पैसों का लालच दिया। अमल शायद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। था अमल, सॉल्वर गैंग के बाकी लोगों तक पहुंच पाई क्या पुलिस? मां बेटी की गिरफ्तारी तो हुई है जी। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश अगर बताया है कि नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के ऊपर नजर रखने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई थी। टीम ने नीट परीक्षा के लिए सार पर संदेह के आधार पर लड़की को पकड़ा है, और जांच में पता चला है कि लड़की दूसरे के जगह पर परीक्षा दे रही थी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक यह डील 5 लाख रुपए में हुई थी। लड़की ने अपने आप को बेचू की छात्रा बताया है, और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही साथ लड़की की माँ को भी हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।